सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और दूसरी बात सबसे पहले मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, मेरी अम्मी ने कॉल किया था जब पहला दिन था हमारा मैच का, और निकलने से पहले जाहिर है उधर टाइम हो रहा था 6 बजे होते हैं, हम जब 8 बजे निकल रहे होते हैं तो यहाँ पर सुबह के जो है 8 बजे होते हैं, वहाँ पर 6 बजे होते हैं। सो बस अम्मी से मेरी बात हो रही थी तो अम्मी ने बस मुझे सिर्फ ये कहा था कि जाओ और आज तुम सेंचुरी बनाओगे। सो पता नहीं किस उसमें थी जो मेरी माँ की दुआ थी, और मेरे वालिद साहब से बात हुई तो वालिद साहब ने कहा वेस्ट इंडीज़ में भी एक दफ़ा जो है बल्ला लहराओ यार। सो यू नो ये फीलिंग्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स होती हैं कि आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हो, स्पेशली आपकी माँ की दुआ आपके साथ हो तो आप हर मुश्किल पार कर जाते हो। और जहाँ तक इनिंग की बात है कि आपको पता है कि 2 रन पे 3 आउट हो गए थे और कंडीशन डिफरेंट और मुश्किल थी, ना कि सिर्फ विकेट डिफरेंट थी, सिचुएशन कंडीशन एवरीथिंग, ह्यूमिड बहुत, गर्मी बहुत थी, यू नो उसमें फिर प्रेशर बहुत था। सो मेरे ख्याल से कि हमने कोशिश की, मैंने और बाबर ने, कि जितना हम खेल सकें उतना खेलें और जितना अपनी टीम को आगे लेके जा सकें और बाकी जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, मेरे ख्याल से बहुत कम है। लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की देन है जी, और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और ये अचीवमेंट है। और बस इसका यही है कि हंगर नैस या जो भी आप कह लें, बस मेरा सिर्फ इसका एक यही जवाब है कि या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र। मेरी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जो है ना मेरी जो है मेरे वालिद साहब ही रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली का सपोर्ट होना आपको बहुत ज़रूरी है, वो खुद भी क्रिकेटर हैं, रह चुके हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा क्योंकि आपके अप एंड डाउन आते हैं करियर में, तो वो उन चीज़ों से गुजरे हुए हैं, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट रखा, हमेशा मुझे कहते रहे कि परफॉर्म करते रहो, कोशिश करो जो आपके हाथ में बस वो करते रहो। तो मेरी कोशिश यही थी कि बस मैं उनको ओबे करूँ, और लाइक जैसे होता है हमारे तो इस्लाम में भी है कि भाई बड़ों की भी सुननी है, अपने माँ बाप की सुननी है, तो मेरी कोशिश यही थी कि अपने वालिद साहब को जो है उबे करते रहूँ। ज़ाहिर जैसे जैसे टाइम आपका जाता है तो आप कहीं ना कहीं हडल्स आते हैं, आपके दिमाग में भी आते हैं, आपके करियर्स में भी आते हैं, तो वो सबके साथ होते हैं। आई थिंक आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें मैं क्रेडिट अपने वालिद साहब को दूंगा कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और भी बहुत सारे इस तरह अगर लिस्ट निकली तो बहुत सारे मेरे हैं जो जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और हमेशा कभी भी ये आने नहीं दिया कि यार टाइम ख़त्म हो गया, बस वो यही कहते थे कि लगे रहो, परफॉर्म करते रहो, आपका टाइम इंशाल्लाह जो है आएगा और अल्लाह ताला लेके ज़रूर आएगा। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ये टाइम लेके आया। देखिए पहला टारगेट ये है कि जल्द से जल्द आउट करें, जितना हम जल्द से जल्द आउट करेंगे उतना हम मैच में रहेंगे, क्योंकि 2 दिन है हमारे पास, तो उसमें जो है आगे फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो जितना जल्द से जल्द आउट करेंगे हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हमने आगे क्या करना है, सेकेंड इनिंग में क्या करना है, तो इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह कि हम कल आके इनको जल्द से जल्द आउट करें, रन कम से कम दें ताकि हम डिसीजन ले सकें और इस टेस्ट में इंशाल्लाह जीत के सीरीज़ को लेवल कर सकें। बस हम लोग, मैं और अजहर अली वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड थे, गए थे तो 4 डे खेल रहे थे, 4 डे मैच था हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उधर सेंचुरी बनाई थी मैंने 4 डे में। तो अजहर अली और मैं जब मैच खत्म हुआ था तो हमने बस ऐसी बात की, तो अजहर अली ने मुझे कहा कि यार अगर आप सेंचुरी बनाओगे तो आपने ये स्टाइल करना है, अगर मैंने बनाना तो मैं ये करूँगा। सो हम दोनों की ये बात डिसाइड हुई थी इस तरह करके, सो अल्लाह की करनी थी कि मैंने न्यूजीलैंड में सेंचुरी बना दी, तो वो मुझे वो चीज़ याद थी सेलिब्रेशन, तो वो वहाँ से आई। और आप लोगों को पता है कि अर्तुगरुल गाजी आता है तो उसमें वो ये विक्ट्री का साइन था उसका, सो बस उसको वहाँ से लेके चले और अल्लाह ताला ने उसमें से